से बस हंस ले जाए मुझे कोई, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ तू। न तड़ते थे वादे हो, न खेल खेलते किस्मत, न कोई समझ हो न कोई मजबूरी हो, तो सिर्फ ये शोर और मर गई हूँ सारी खामोशी। बचपन की वो आदत, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। इंग्लिश मांगो। हाँ मांगो। तू आजा। हाँ तो बेटा तू इधर आया तो बच गई ना, तू भी आजा। भाई ये क्या तुम दिन हम दो, हमारे वकील। अरे गोपाल का पेपर है ना कल, वो नहीं आ रहा, पढ़ेगा वो तो। एक दिन में कौन सा प्रधानमंत्री बन जाएगा वो? वे को बोला? अरे नहीं यार, बैठ आ जाएगा एक और। कल भी उसके घर से चिल्लाने की आवाज आती थी, शायद फिर उसका बाप धान पी कर उसकी माँ को मार रहा था। अरे कल मारा था ना, आज थोड़ी बुलाता हूँ मैं। मतलब बाप यहाँ खड़ा मना कर रहा है। विवेक खेलेगा? नहीं मैं नहीं खेलूंगा, हर बार कॉमन बनाते हो। आजा आजा, नहीं बनाएंगे पक्का। हाँ पक्का, इस बार टॉस मैं करूँगा। इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश। हिंदी। अब हम लेंगे बैटिंग। पल ले ले। आज मैं आपके साथ ओपनिंग आऊँ यार, कल से आ जाइयो, इसके बाद आ जाइयो। आप हर बार ऐसे बोलते हो। अरे अभी उसे खेल खेल दे, वो आ गया ना अभी अगली बार से। भाई 6 ओवर की बात है, मत बोलना ज्यादा बोल दिए। अरे 6 तो बहुत है सेंचुरी मारने के लिए। क्या कर रहा है तू, देख के खेलना। अबे स्विंग हो रही थी। आउट भाई, नया है क्या कॉलोनी में? हर बार मानते हूँ उधर का आउट है। अबे यार। हाँ किधर बोल ला। अब आप बोल भी मैं ही लाऊं? जो मारेगा वो ही लाएगा, जो बोल ला। अबे यार सुन तो बेटा, इधर आ तो। हाँ भैया। जब बोल ले क्या, अगली बैटिंग पक्का तेरी। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी ने वहां जाने से मना करा है।
सकता है अगले मैच में ओपनिंग कर लियो। अबे सेफ नहीं, तो पता है जाना। अरे यार कुछ नहीं है। अरे वो तो गया। अबे यार विवेक अंदर कैसे घुस गया? तुम सिगरेट नहीं पीते? नहीं, मुझे धुएं और धूल से एलर्जी। सॉरी। इससे तो एलर्जी नहीं है ना? यही तो है जो इस चुपते सन्नाटे में साथी बनता है मेरा। अजीब बात है, लोग शहर के शोर को छोड़कर सन्नाटे को ढूंढते हैं और आपको यही सन्नाटा चुपता है। सन्नाटा तुम्हें वो पूरी आजादी दे देता है खुद के मन की बातें जानने को और खुद को रोज मारने को, लेकिन शोर ऐसा नहीं है। शोर तुमसे सारी आजादी फट से छीन लेता है। अच्छा, क्या बात? मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई राइटर या कवि हैं? राइटर कह लो, रिजेक्टेड राइटर कह लो, कवि, नल्ला, निकम्मा, अकेला, बेरोजगार, सभी की बात है। अच्छी बात है, कम से कम जरिया तो है आपके पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने का। तो है, पर इतनी काली रात में चश्मा लगाने का मतलब तो ये राइटर भी नहीं समझा। ये चश्मा, ये शर्ट, ये सिगरेट और ये दारू, ये सब शौक है मेरा। और ये शौक ना मैं तभी पूरे करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। पर अभी अकेले कहाँ तुम? अभी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ हो आप? यहाँ सिर्फ यहाँ बैठ कर प्रिटेंड कर रहे हो कि आप यहाँ हो, और तुम जो ये देवदास बने बैठे हो, नहीं तुम यहाँ नहीं हो। मैं यही हूँ और यही हूँ जो देख रहा हूँ तुम्हें। वैसे ये क्या गम है आपको? पता नहीं, बस अब उस दुनिया में वापस जाने का मन नहीं करता यार, खुद से घिन आती है वहाँ पर। जो भी है बता सकते हो, आपको कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ। जब इंसान को एक बार ठोकर लगती है इंसान सह लेता है, पर जब जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें ठोकर मिलने लगे, कोई भी इंसान ढह जाता है यार। भगवान ने तो सारी तकलीफें ली, पोटली बनाई और करके मेरे सर पर डाल दिया। अच्छा, तो भगवान में मानते हो? अजीब बात है, अक्सर लोग उस चीज में मानते हैं जो कभी दिखा ही नहीं, और जो दिखता है उसे नकार देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों की बात है, लोगों की यादें, कुछ लोगों को हमारी यादों से मिटा सके, हर उस चीज को मिटा सके जो खा रही है हम अंदर से, खोखला कर रही है। अच्छा, बचपन में वो थ्योरी तो सुनी ही होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद है तुम्हें? क्यों? अच्छा, एक कहानी सुनोगे?
एक्सीडेंट पर गुजर जाने के बाद मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी मिली और मैं उसी होटल में रहने लगी। पर पता नहीं उस होटल में वेटर शब्द का मतलब क्या था। वहाँ कुछ रईसज़ादे आए और मुझे नाचने को कहने लगे, और मैंने जब मैनेजर को ये सब बताया तो मुझे बोला कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा अगर तुमने मना करा तो, और जो मैंने काम किया है उसकी सैलरी भी नहीं दूँगा। तो मेरे पास कुछ रास्ता बचा ही नहीं था, और घर से भागकर शादी करी तो घर भी नहीं जा सकती थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। और कुछ दिनों बाद एक आदमी आया और मुझे नाचता देख कहने लगा कि अपने कपड़े खोल दो। मैं फिर वापस मैनेजर के पास गई और जब उसे मैंने बताया तो वो कहने लगा कि तुम्हें तो पता ही है अगर तुम मना करोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। क्या करती, उसने बोला कि यहाँ का तो यही रिवाज है। और पता है सबसे ज्यादा मुझे शौक किस बात का लगा, जब वो कहता है कि तुम्हें वहां जानता ही कौन है, खोल दो कपड़े, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। मैं जब वापस उस हॉल में गई ना जहां वो लोग बैठे थे, पता है उनकी आंखों में मुझे नंगा देखने की इतनी चाहती जैसे एक भूखे आदमी को खाना देखकर होती है। फिर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और ना कुछ खाया ना किसी से बात करी, बस अपने आप को आईने में देखकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इस शरीर में जिसको देखने के लिए इतना बेताब है वो लोग। अपने कपड़े ऊपर नीचे कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस चीज से बाहर निकल जाऊं, कोई मुझे कैसे भी यहां से बचा ले। तुम्हें कोई बचाए? सिगरेट, शराब, इतना खिला हुआ चेहरा, मन की पूरी आजादी, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तुम्हें देखकर तो लगता है कि कम से कम तुम तो किसी भी हालत से लड़ सकती हो, तो तुम्हें किसी की क्या जरूरत थी। लड़ तो सब रहे हैं यहाँ, बस सबके तरीके और सिचुएशंस अलग अलग हैं। और ये जो चेहरा है ना, मुखौटा है, असलियत को तो जैसे जानना ही छोड़ दिया है लोगों ने। और तीसरे दिन जब मैं आईने के सामने गई तो मुझे लग रहा था वो लोग वही बैठे हुए हैं, बिना कपड़ों के, एकदम नंगे, और उनकी नंगी सोच मुझे भी उसी तरह देखना चाहती है, बिना कपड़ों के। सब लगा कि बस यही रास्ता है सर्वाइवल का। हाय। तो क्या करें, बताएं उसके घर वालों को? तो लगता है वो अपनी बात मानेंगे। तो क्या करें फिर?
यार साला गया तो भाई अपनी बॉल और ले गया यार। भाई यार उधर जाने का मना क्यों करते हैं? एक आर्मी साहब ने कॉलोनी का अचानक से गायब हो गया, ऑफिस भी आ गया था, उससे पूछो तो बोलता है वहाँ खींचा चला गया और उसका रास्ता कहीं दूसरी दुनिया में खुलता है। वहाँ का समय कुछ नहीं पता, हमेशा रात रहती है और एक अजीब सी आवाज़ आती है कानों में चुभने वाली, और अपनी दुनिया की सारी डिफरेंस वहाँ रहती है। पर जब से आया ना वो थोड़ा तो खुश है, तेने देखा ही था। तब से तो बहुत भाई ये डिप्रेस होल मतलब अबे आठवीं फेल डिप्रेस होल मतलब दुखी आत्माएं। और ये भी तो बताई से वो हमेशा बोलता रहता था कि इस दुनिया में उस दुनिया के कई रास्ते। हाँ ये भी है, पर भाई यार मेरे को नहीं लगता कि बेग अपनी बातें किसी को शेयर करता है। हाँ यार ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता। भाई वो बंदा वापस कैसे आया? तो यार जब वो दुखी नहीं है तो उसका वहाँ पे काम क्या है? और मुझे फिर भी कुछ जानना है तो वो देख वो आ रहा। लाइफ में ना कुछ परमानेंट नहीं है, तुम्हारी ये तकलीफें भी नहीं। अगर हिम्मत करोगे तो पैरों को तकलीफ तो होगी ही, पर कम से कम पैर रास्ते पर तो आएंगे। और लड़को आज खेल नहीं रहे? भैया अब मैं बैटिंग करूं?